जय बद्री विशाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल अपने गांव से। और अभी सुबह के बज गए 11:30। चाची सुबह जंगल चली गई थी और अभी हम चाची को लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि चाची जा रही थी आज घास लेने के लिए। तो वैसे जब सोतार के लिए जाती है तो तब नहीं जाते चाची को लेने के लिए, लेकिन जब घास के लिए जाते हैं तब लेने जाना पड़ता है, क्योंकि घास बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। और दोस्तों आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और मज़े में हूँ। और अभी फ़िलहाल हम जाएंगे चाची को लेने के लिए। अंकू भी आएगी गांव से, वो अपनी मम्मी को लेने के लिए जाएगी, मतलब जो घास लेके आते हैं वो लेने के लिए जाते हैं। तो खुशियों में भी जा रहे हैं। और दादी कर रही है यहाँ पे थोड़ी सी खेती, पता नहीं क्या क्या कर रही है दादी, आपको बताती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो दादी कर रही है यहाँ पे खेती, और दादी ने यहाँ पे क्या कैसे रहती हो आप लोग, धनिया यहाँ पे दादी ने धनिया लगा रखे हैं, ये प्याज है, वहाँ लहसुन लगा रखा है, ये यहाँ पे मटर लगाए हुए। और दादी यहाँ पे अभी जो घास होता है इसमें वो हटा रही है। ये धनिया पूरा धनिया क्यों तक क्या लगा धनिया, ये बार नहीं हुआ ना ज्यादा घास कि अब वहाँ। दोस्तों नीचे वाले खेत में तो थोड़ा बहुत तो ही रखा था धनिया, सूखा भा लगा तू तू धनिया। अच्छा अभी अब हो रहा है कि धनिया, तो दादी लगी हुई यहाँ धनिया लगाने पे। दोस्तों यहाँ पे इस पर भात बन चुका है, इस पर यहाँ पे कापली बन चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। मैंने कापली भी बना दी, भात भी बना लिया है, चाची को लेने जाते हैं, उसके बाद हम खाएंगे ये यम्मी यम्मी सा खाना। आग भी यहाँ पे जलने पे लगी है। तो अभी हम अपना पगीला लेके निकल चुके हैं घर से, और नीचे से अंकू भी आ रही है। और खुशी खुशी तो पहली बार जा रही है? पहली बार जा रही हाँ लेने के लिए, हाँ खुशी का ही पहली बार है, लेकिन मेरा होगा दूसरी या तीसरी बार होगा। और ये देखो यहाँ पे ये पगीले को पीठ में माना जाता है, क्योंकि हाथ पे कौन लेके जाएगा। ये अंकू आ रही थी, हाँ कहाँ गई। तो दोस्तों यहाँ पे देखना कुछ कुछ आ गए घास वाले, कोई कोई तो चले गए घास लेके, लेकिन अंकू की मम्मी और मेरी चाची वही के वही अभी ऊपर है। वो अंकू ने कॉल किया, वो बोल रहे थे अभी घास ही काट रहे हैं, तो अभी हम ऊपर ऊपर जाएंगे। हमारी भैंस भी आई रहती है यहीं पे, तो अभी और ऊपर जाएंगे। हम आ गए जंगल, अभी हमें ऊपर जाना है, बहुत चढ़ के आ गई है भैंसों को देखना। मुझे लग रहा है ये घर में नहीं करते आ रहा, इसलिए ये देखो कैसे पड़ रखी है, क्या करके क्या कर भैंसा चाहिए, ये देखना सब भैंसे एक एक करके पड़े। यहाँ पे देखना घास वाले आ गए, दादी बोल रही मेरी वीडियो मत बनाओ के तुम सतार तो ना घास के सतार। अच्छा दादी सतार के लिए गई थी, घास भी लेके आ गए हम लगे हुए, बहुत ज्यादा चल के आए हम नीचे से। दोस्त अभी हम यहाँ आ गए, ये गार्ड है यहाँ पे, इधर से आए और अभी यहाँ से ऊपर जाना, हमने यहाँ पे पानी पी रहे हैं। तो इतना चलने के बाद अभी ऊपर से आवाज़ तो आ ही रही है घसीरों की, घसीरी के बोल नी घसीरी। तो देखते हैं कौन चाची और हैं कि नहीं हैं, अंकू बोल रहे इनमें होंगे तो तब ना वह। तो ये दो घसीरी दादी और चाची थे जो हम जिनको हम लेने आए हैं, दादी अंकू अपनी मम्मी को, मैं अपनी चाची को, वो नहीं आया अभी, थक भी लगी है बहुत रास्ते देखने आके। दोस्त अभी हम यहाँ पे बैठ गए इतना चलने के बाद, और अब हम यहीं पे रुके रहेंगे, चाची और आएंगे यहाँ से तो यहीं पे रुके ही रहेंगे उनके लिए, देखते कब तक आते। कुछ कुछ घसीरी तो घर चली गई है, लेकिन हम रुके हुए अभी, देखते हैं अब कब तक आती है। तो हम तब से उनके लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए, हम परेशान हो गए तब से। लोग तो जो अच्छे अच्छे घसीरी है काम काज वाली वो घर चली गई है, जिनको ये है कि हमें घर जाना है जल्दी, लेकिन ये हमारी चाचियाँ दादियाँ और अभी जंगल से घर ही नहीं आई, आधे जंगल में तो हम ही हैं, और वो अभी ऊपर से नीचे ही नहीं आए, पता नहीं क्या होगा कब तक आएंगे। मुझे इतनी भयंकर प्यास लग रही ना गार्ड, या तो पानी नीचे ही ऐसे दे या तो सीधे ऊपर ही, पर अब बाद में ही पीऊँगी। तो बड़ी मुश्किलों के बाद आप आ रहे हैं यहाँ ऊपर से, हल्ला थोड़ा सा घसीरों का, कहाँ गई घसीरी, ये देखना यहाँ पे आ रही है घसीरी, ये इतनी अच्छा ना
सबसे पहले यहाँ पे अंकु तेरी मम्मी आ रही सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे दादी आ चुकी है घास लेके। नहीं काटी लाइक कर रहे वीडियो। दोस्तों देखने घसीरिया आ रही तब से। सबके सब एक एक करके ये देखना इतने बड़े बड़े भारे लेके आते हैं। चाची को देखना सबसे देर में आ रही। तो आप लोग देख सकते हो मेरी चाची और कितनी लेट में आते जंगल से। हमें मामा पता कहाँ बैठी जान या घंटा भी दे। हम एक घंटे से खड़े हो रखे यहाँ पे। चाची अभी घास निकाल रही है तो अभी चाची हमें देगी हम भी लेके जाएंगे या उनको भी लेके जा रही इसकी मम्मी और इसे भी दे रहे हैं। इतनी दूर आ रखी हम इनको लेने के लिए। उसी बोल रहे हम कब के आ गए थे हमने एक दिन पूरी कर लिया यहाँ पे। तब तक चाची ने पॉइंट मारा नीचे से बेड कहाँ पे लगा रखा था कि सोने के लिए। ले यार तभी चाची हमारे भारे भी लगाएगी। बोल कर ले कुछ रात रह सार का पूरा दिन रात खा लेना कुछ ना साथे कुछ मत सो। चाची बोल रही किसी काबिल के नहीं है बल हम और इतने बड़े बड़े भारे ला रहे हैं घास के। अंकु भारा लगा रही हमारा देख। मेगा बढ़ चुकी है रंदो को याक तो राजे ठीक छ पाले। तो अभी हम घर जाते अभी यहाँ पे सब के सब अपने भारे उठा रहे हैं। ये देखो चलने लगी है। मैं भी जा रही हूँ यहाँ पे बहुत फिसलन सी है। देखना यहाँ पे ये अभी पानी पीने जा रहे हैं नीचे उनको चाची और जा रहे हैं हम पानी पीने। हम जा रहे हैं घर तो आगे हमको जा रही है पीछे से ये सबके सब आ रहे हैं। ये देखो सारी घसीरी आ रही पीछे से। ये सबके सब हेलो गाइस कर रहे हैं यहाँ पे साथ साथ में घर जा रहे हैं। सब बोल रहे बीत गए बल घास के नीचे बीत गए। बहुत थक लगी है पानी पीने जा रही। मैंने अपना भार यहाँ पे रख लिया खुशी भी रख लिया। ये लड़की भी आ चुकी है पानी पीने जाती है वहाँ पे पानी पी लिया खुशी बोल रही आराम से जाते ये बैठ रही है। दादी को बोल रहा 5-6 बजे तक लड़की को फोटो शूट की लगी है। उसका भारा सही कर रही थी उसका भारा टेढ़ा हो गया था। अब जा रहे हम घर। तो ये लड़की जा रही है अब घर और हम दोनों अपने घर आ गए। तो दोस्तों यहाँ पे चाची घास रख रही है और ये खुशी बैठ रखी है यहाँ पे। और अब खाना खाने का टाइम हो गया अब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें थोड़ा सा दुकान भी जाना है तो बताएंगे क्यों जाएगी। और यहाँ पे देख रहे मेरी दादी को दादी यहाँ पे सफाई करने पे लगी है। देखो पूरा यहाँ पे घास जमी थी हटा दी दादी ने यहाँ पे। और अभी हम खाना खाते हैं कापली और भात उसके बाद मिलते हैं आपको चल। तो दोस्तों अभी हमने खाना खा लिया और कल है खुशी का बर्थडे तो हमने केक मंगवा रखा है घनसाली से। तो खुशियों में जा रहे हैं लेने के लिए। वो अपना बर्थडे इस बार गाँव यही गांव में ही सेलिब्रेट कर रही है तो अभी हम जा रहे हैं। दोस्तों हमने देखा सीढ़ियाँ लेके जा रही है लड़का बीमार हो रखा था ये जिसके भाई की शादी थी। और अभी हम दोनों जा रहे हैं आगे दुकान सामान लेने जा रहे हैं। तो अभी हम दोनों नीचे रोड में आ गए हैं। यहाँ का व्यू देखना कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे एक दुकान है तो हमने सोचा वहाँ कुछ कुरकुरे वगैरह लेने चलते हैं। अरे तो दोस्तों हमने खाने का सामान ले लिया है। इसको देखना लॉलीपॉप खा रही है ये डॉगी पता नहीं कहाँ से आए यहाँ पे क्या चीज़। और ये ऋतिक स्कूल से आ रहे हैं यहाँ पे ये देखो हंस हंस के हर जगह हंस हंस के आते हैं देखना।
हमने सोचा रितिक को लेने चलते हैं। चल दोस्त अभी देखते इसके लिए। अभी ये लड़की आ रही स्कूल से गिर गई थी, वीडियो चक्कर में गिरिया ना वो देखना कैसे भाग रहा है। भाग गए, 2 मिनट भी नहीं लगे ने भागते भागते। और हम दोनों रुके हुए क्योंकि खुशी और मैं रुके हुए क्योंकि हमें जिनके पास सामान मंगवाए हुए हैं वो यहीं पे आएंगे, तो इसलिए हम यहीं पे रुके हुए अभी। तो दोस्तों अभी हम घर आ गए सामान लेके, आप लोगों को बताते क्या क्या सामान ला रखे हैं। तो हमने मंगाया है ये गुब्बारे, ये हैप्पी बर्थडे वाला, ये कैंडल है, ये अनार वाली फुलझड़ी, ये नमकीन का पैकेट, मिठाई का पैकेट, ये बिस्किट का पैकेट, और इस पे प्याज टमाटर, वो काले चने हैं, वो ये पूरा चमचा रंग है।